जान। अब देखो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कब होती है? यस तब होती है बेटा जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपने के की वैल्यू कैसे निकाली थी बेटा? जी एफ सी की वैल्यू रख देंगे ना इक्वेशन में। हाँ तो ये आ गई ना इक्वेशन आपके पास, ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई एक्स स्क्वायर। ये पूरी इक्वेशन ऑफ सर्कल वन प्लस के स्क्वायर नहीं होगा, वो पहली इक्वेशन में रखी ना जी एफ सी की। मतलब क्या बेटा? वन प्लस के स्क्वायर है, वही वही इक्वेशन में रख दे दो। वन प्लस किसकी वैल्यू रख रहे हो आप? अरे जी एफ सी की यहाँ पर। हाँ सर। तो के की वैल्यू क्या आ रही है? क्वाड्रेटिक दो आ रही है। डोडा फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन क्या थी? देखो वन प्लस के स्क्वायर प्लस टू जी प्लस टू के एफ प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो वन प्लस के स्क्वायर प्लस टू ये हो गई वन प्लस के अपॉन माइनस टू प्लस टू के वन प्लस के अपॉन माइनस टू के इज इक्वल टू जीरो। बेटा इक्वेशन फर्स्ट में तो देखो वन प्लस के स्क्वायर एज इट इज ये टू से टू कैंसिल तो माइनस वन माइनस के प्लस तो माइनस के माइनस के स्क्वायर माइनस टू के क्वाड्रेटिक का बन रही है बेटा। के स्क्वायर कैंसिल ये टू के ये वन वन कैंसिल और माइनस के माइनस के माइनस के फोर के इक्वल टू क्वेश्चन तो के इक्वल टू जीरो आ जाएगा। फिर तो कहाँ इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इक्वेशन तो सेटिस्फाइड होना चाहिए। नहीं ये जो तुम मेथड बता रहे इसका मैं बोल रहा हूँ कि इसका कोई मीनिंग नहीं है बेटा। देखो आपने थ्री इक्वेशन सॉल्व करी और वापिस इसमें पुट करी तो वो तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ना। आर यू गेटिंग मी? आपने थ्री इक्वेशन सॉल्व करी उसी को रख दिया तो क्या मतलब है? अब इस बात से उतार है तो ये मीनिंग रहे। इसलिए मैं जो कर रहा था ना वो आपको फिर से बताता हूँ क्या कर रहा था मैं ना। अब क्या जीएफसी की वैल्यू आ गई ना बेटा। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स तो टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा माइनस वन प्लस के एक्स प्लस माइनस वन प्लस के वाई माइनस टू के। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ से आ जाएगा। इसका उससे कोई मतलब नहीं। पासेस थ्रू द पॉइंट द सर्कल पासेस थ्रू थ्री डिस्ट्रिक्ट पॉइंट दिस 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 पासेस थ्रू द पॉइंट देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के सर्कल ऑलवेज किस पॉइंट से पास होगा हमको ये बताना फॉर एनी वैल्यू ऑफ के। देखो बेटा तो देखो बेटा ध्यान सुनो यहाँ डेल्टा क्या था बेटा ए बी सी प्लस टू एच एफ जी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो ए बी सी क्या हो गया बेटा आपका ए मतलब वन बी मतलब वन सी मतलब वन तो मतलब माइनस टू के प्लस ये तो हो गया जीरो ए एफ स्क्वायर ए मतलब वन और एफ मतलब क्या हो बेटा है ना b मतलब वन मतलब वन माइनस के अपॉन नाउ यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। यस बेटा तो माइनस टू के तो ये टू का एलसीएम ले लोगे तो आप आ जाएगा आर यू गेटिंग मी? यस माइनस एट के और ये वन प्लस के होल स्क्वायर माइनस वन प्लस के होल स्क्वायर सॉल्व यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। यस बेटा
यहाँ से क्या आएगा? यस, देखो बहुत सिंपल है, अभी मैं आपको फिर से बताता हूँ, ध्यान सुनो बेटा। वो क्या बोल रहा है कि थ्री पॉइंट्स है, वन टू और थ्री, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले इक्वेशन, इनसे पास तो अपन निकाल लेंगे सर्कल की वैल्यू, फिर वो बाद में क्या रहा है और ऑल वैल्यूज, तो देखो हमको के की वैल्यू निकालना रही है और कुछ नहीं, इक्वेशन में रख के हमने पहले जी एफ सी निकाल लिया, जी एफ, और ये हमारे पास आ गया जी एफ, और ये हमारे पास आ गया सी, बस हमने इक्वेशन में रखा जैसे इक्वेशन सर्कल। अब ये तभी होता है जब नॉट इक्वल टू जीरो हो, बस इसको नॉट इक्वल टू जीरो रख के सॉल्व कर दिया। यस गाइस, देखो आप वो पुराने जो कंडीशन है उनको आपको भूलना नहीं है, वही आपके मेन कंडीशन होते हैं। चलो अब थोड़ा सा आप लोग करोगे कि ना, मेरे को है ना आधे लोग ऐसा लग रहा है कि है ना सो रहे हैं केवल। गाइस प्लीज डू फास्ट ना थोड़ा सा, ये तो क्या फिर समझ नहीं आएगा बाद में तो आपको कुछ भी। देखो समझो, इफ द प्लाइन दिस दिस कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, हाँ 34, ये वो उसका क्वेश्चन है एसएमटी वाला। चलो करो इसको, एक मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था बहुत दिन पहले, ये आप लोगों को करना है पूरा बकायदा, इसको फिर एज एसएमटी याद रखना है कुछ चीजें इसमें। फर्स्ट साइड फर्स्ट डू, इफ द लाइन दिस एंड दिस कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑन साइक्लिक पॉइंट पे, देन Come on fast. Come on guys. So question. आपका जो वो लाइन है ना, एक बार आपको याद नहीं रहता क्या? वो ऑप्शन देखना था। देखो जल्दी करो, मैं मेरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। मन कमान पास
देखो आप जिनको क्वेश्चन समझ आया वो क्वेश्चन समझो. वी हैव टू लाइंस, एक लाइन दे रखी है एल वन इजिकल टू जीरो, एल वन आपको दे रखी है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल टू जीरो, एंड द सेकेंड लाइन इज एल टू इजिकल टू जीरो, ए टू एक्स सी टू वाई प्लस सी टू इजिकल टू जीरो. यस, अब वो कर रहे हैं कट द कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये फोर पॉइंट पे कट कर रहे हैं है ना, ए बी सी एंड डी है ना. तो आपको बोला है कि ए बी सी डी आर कौन साइक्लिक है ना बेटा, कौन साइक्लिक है सपोज, है ना, ए बी सी डी अगर कौन साइक्लिक है तो कंडीशन निकालना है. यस बेटा, यस. देखो गुप्ता जी बहुत सिंपल है, ए बी एंड सी से वी विल फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, एंड पुट डी पॉइंट, तो यू विल गेट द कंडीशन. अरे यस और नो? यस सर, है ना. तो इसकी एक एसएमटी है वो बाद में बताऊंगा. देखो बेटा अगर मैं बात करूं तो फॉर पॉइंट ए, पर ए ए आप देखो वाई जीरो या ए पॉइंट के लिए क्या बेटा वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, ए पॉइंट के लिए आपका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है. वाई इजिकल टू जीरो, तो हमारी लाइन जीरो ए वन एक्स प्लस जीरो प्लस सी सी वन, तो एक्स की वैल्यू आ गया बेटा माइनस सी वन अपॉन ए वन, तो कोऑर्डिनेट आ गया आपका माइनस सी वन अपॉन ए वन कॉमा जीरो. अच्छा बी पॉइंट के लिए क्या जाएगा, एक्स जीरो जाएगा, जीरो प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल टू जीरो, तो आपका पॉइंट हो गया जीरो कॉमा माइनस सी वन अपॉन बी वन. सिमिलरली सी पॉइंट के लिए क्या जाएगा बेटा, अगेन सी पॉइंट क्या है बेटा आपका वाई जीरो जाएगा, तो ए टू एक्स प्लस जीरो प्लस सी टू, तो ये पॉइंट जाएगा बेटा माइनस सी टू अपॉन ए टू कॉमा जीरो, और फॉर डी के लिए क्या जाएगा बेटा एक जीरो, तो सीधे सीधे जाएगा वो जीरो कॉमा माइनस सी टू अपॉन बी टू. यस, सबको समझ में आ रहा है ना, मैंने ये चार पॉइंट निकाल लिए. अरे यस और नो? यस सर. बहुत सिंपल है, क्या करना, इक्वेशन फॉर्म करना, इक्वेशन फॉर्म करना है ना, बाय ए बी एंड सी एंड देन पुट डी है. मैं आपको सीधा एसएमटी करा रहा हूँ, ये ना अपना टाइम वेस्ट होगा, ये सीधा आप एसएमटी याद रख लो. एसएमटी ये बोलते हैं, एसएमटी ये बोलती है बेटा if a one x b one y plus c one is equal to zero and a two x b two y plus c two is equal to zero, cut the coordinate axis at concyclic points. तो याद रखना, simple से इसकी condition होती है a one a two is equal to b one b two, खत्म. ये ऐसी कंडीशन होती है, इसमें सीवन का कोई रोल ही नहीं होता, मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट. हां ए वन ए टू इज इक्वल टू बी वन, यस, सीधे सीधे ऑप्शन होता है ना बेटा. तो ये याद रख लो, आपका ट्रिक भी बता दिया, मेथड भी बता दिया मैंने, कि आप पहले ए बी सी कैलकुलेट करो, वाई जीरो एक्स जीरो वाई जीरो एक्स जीरो, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी ए, we'll find out the equation of circle, तीन points है, and then put D point रख दो, तो you will get the condition. ये simple सा एक तरीका होता है ना, but it is quite lengthy है, इसको मेरा वाला तरीका है सीधे, कि आप SMT याद रखो, आपको हो जाएगा, और ये बार बार आएगा याद, है ना, A1, A2, देखो guys, actually क्या था, ये मैंने कैसे SMT लिखी, this is the A1,
और दिस इज अ दिस सॉरी माइनस सी वन अपन ए वन और माइनस सी टू, ऐसी ये जगह माइनस सी टू अपन दिस और दिस, जब आप रखोगे ना सी वन सी टू दोनों में कैंसिल होकर ए वन ए टू आ जाता है. ओके अब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग, इसलिए ज्यादा सोचो मत उसके लिए. ए वन ए टू इज इक्वल टू बी वन बी टू. गाइस थोड़ा सा फास्ट, मेरे को नींद आना चालू हो गई है, ये आप लोग सब नहीं पढ़ रहे हो अब. गाइस कम ऑन, कम ऑन गाइस. 35, इफ द लाइन इफ द सर्कल इफ ए सर्कल passes to the point where the line this and this meet the coordinate axis. So, seedha hai. Come on, pass. C. 1/2. Abhi sir ne kaha ki A1x plus A2y. 1/2, yes. Abhi sir ne kaha hai ki beta A1x B1y plus C1 is equal to 0 or A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. कौन सा एक सेंटर बना दी, A1 A2 is equal to B1 B2. A1 क्या बेटा इसका 3 lambda into 4 is equal to B1 क्या है minus 2 into minus 3. तो क्या हो गया बेटा 3 cancel, lambda is equal to 1/2. Yes sir. C is the right answer. Yes guys, कितना simple है, थोड़ा सा लॉजिक. एसएमटी सीधा एसएमटी लगाओ, खुश हो जाओ. यस ये याद रख लो आप. अब ये सेवन कौन सा साइक्लिक होता है. यस चलो कम ऑन कम ऑन. अरे बेटा 4 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट दिस 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 एंड दिस लाइन अ सर्कल फॉर, अभी आप कर सकते हो चारों सर्कल चार पॉइंट के लिए 3 निकाल के चौथा रख दोगे. चलो 37 करो, तो टाइम पास है फिर भी करा रहा हूं. चलो 35 करो, 37 कमन गाइस ट्राई 37. गाइस बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, है ना. यस देखो लैम्ब्डा स्क्वायर 1 प्लस लैम्ब्डा माइनस 2 लैम्ब्डा माइनस 20. Equal to 10. Two lambda square minus two lambda minus 9. बेटा इसको सॉल्व कर लो. यस अब लैम्ब्डा की वैल्यूज निकालना है, 2, 4, 5 कितनी सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को. अरे यस यस सर ये हो गया 2 लैम्ब्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्ब्डा माइनस 19.
हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा बेटा, एक कॉल में वापस मुझे लगना है इसलिए मैं भेज रहा हूँ। बेटा प्लीज सब लोग प्रैक्टिस कर लो। सर वो लास्ट क्वेश्चन में डाउट था, वो लैम्डा वाले में। सर वो लैम्डा की इंटीग्रल वैल्यूज बोली है ना, तो वो कैसे करेंगे? इंटीग्रल वैल्यूज मतलब इंटीजर्स, मतलब जैसे देखो, जैसे ये क्वेश्चन है ना अपने पास, ये अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरा? हाँ सर। हाँ अब ये जैसे 2 लैम्डा माइनस 19 है ना। अब देखो मैं लैम्डा के लिए 1 रखता हूं तो इक्वेशन लेस देन 100 आती है, तो एक इक्वेशन की लैम्डा की वैल्यू 1 हो सकती है। 2 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं, मतलब उसकी रेंज निकालनी है ना। आप रेंज बोलो लैम्डा की। हां लैम्डा की कितनी वैल्यू, देखो अगर मैं 10 तक रखूंगा तो 10 क्या हो जाएगा बेटा, 100 स्क्वायर, समझ रहे ना आप? 10 लैम्डा को मैंने 10 रखा तो 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर इनटू 200 माइनस दिस, तो वो लेस देन 100 होता क्या? कब कब लैम्डा की कितनी वैल्यूज के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, आपका आंसर आ जाएगा। रेंज नहीं, डोमेन। लैम्डा की वैल्यू, हां लैम्डा की वैल्यू मतलब डोमेन है ना। ट्राई करना नहीं तो फिर मैं बाद में कराता हूं। फाइन, ओके सर, अब हो जाएगा। और गाइस प्लीज है ना, ये जो मैं ना सर्कल के क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ये अभी एक दूसरा एक और शेट दे रहा हूँ मैं आपको, ये आप करके रखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो है ना फिर मेरे को तो आज बड़ा बेकार बेकार सा फील आ रहा है। मैं ही करे जा रहा हूँ है ना, ये एक में आज ज्यादा